प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 78 कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इंजन के बारे में चर्चा करूंगा। एक समय था कि अधिकतर कोल इंडिया ये कोल माइनिंग अंडरग्राउंड से चलता था, अभी तो ओसीपी का ट्रेंड हो गया। जब अंडरग्राउंड से चलता था तो उसकी एंट्री इंक्लाइन और शाफ्ट होता था। शाफ्ट में वर्टिकल जो शाफ्ट है उसमें आने जाने के लिए मटेरियल के सम्मान के लिए हमारा वाइंडिंग अरेंजमेंट रहता था। तो कोल माइंस रेगुलेशन 78 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने बहुत सारे माइंस थे जहां पर वाइंडिंग इंजन था, शाफ्ट था, केज था, जिससे आदमी का आना जाना, वर्कमैन को आना जाना और मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग या मिनरल कोल का ट्रांसपोर्टिंग। तो ये वाइंडिंग इंजन का चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। ये कोल माइंस रेगुलेशन 78, इसका पहला सब रेगुलेशन क्या बोलता है? पहला सब रेगुलेशन बोलता है कि वाइंडिंग इंजन का पार्ट्स, हेड गियर। अब वाइंडिंग इंजन देखिए, वाइंडिंग इंजन का एक रूम है, एक ड्रम होता है और इसमें सारी व्यवस्था है। जो ड्रम घूमता है ये वाइंडिंग रोप है और रोप के बाद ये हेड गियर है। हेड गियर जो है ये, और हेड गियर कैसे खड़ा रहेगा? ये देखिए केज है, ये शाफ्ट है, ये केज है, ये केज सस्पेंशन गियर है, सेफ्टी हुक सस्पेंशन गियर, ये वाइंडिंग रोप है जो ड्रम से होते हुए हेड गियर पुली से होते हुए और वाइंडिंग ड्रम है। तो यहां पर है पार्ट्स, इसमें जो लगने वाले पार्ट्स, हेड गियर शैल बी साउंड कंस्ट्रक्शन। कैसे कंस्ट्रक्शन होगा? बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि उसी से मैन मटेरियल हावी होगा, लोअर होगा, तो उस स्थिति में उस पर वियर टीयर और लोड पड़ेगा। तो इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा साउंड कंस्ट्रक्शन, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड मेंटेन सेफ वर्किंग ऑर्डर, ऐसा मेंटेन करेंगे कि सुरक्षित वर्किंग ऑर्डर में हो, काम करने लायक हो। अब देखिए ये हेड गियर में ये वर्टिकल पोस्ट है एक, ये दूसरा वर्टिकल पोस्ट है, ठीक है। ये दोनों वर्टिकल पोस्ट यहां पर ग्राउंड किया हुआ है, वर्टिकल पोस्ट। ये वर्टिकल पोस्ट में विभिन्न ट्रास दिया हुआ है, ये ट्रास किया हुआ है, क्रॉस ट्रास, ट्रास भी किया हुआ है ताकि इसका फैब्रिकेशन मजबूत हो। इसके बाद दोनों साइड से ये दो बैक स्टे है, जो ड्रम के आसपास में ये बैक स्टे है, एक बैक स्टे, दो बैक स्टे। बैक स्टे भी पूरा मजबूत से है, क्योंकि यहां वाइंडिंग रोप जब मटेरियल को हाविस करेगा, टानेगा, नीचे से खींचेगा या लोअर करेगा, तो उस स्थिति में लोड पड़ता है और हेड गियर पलट नहीं जाए, इसीलिए बैक स्टे है। एक समय था कि बैक स्टे पहले नहीं था, तो ये बैलेंस करने के लिए बैक स्टे हुआ और ये हुआ आपको हेड गियर। तो हेड गियर बैलेंस होना चाहिए बैक स्टे। ये आपको हॉरिजॉन्टल जो पोस्ट है ये ग्राउट है, बैक स्टे ग्राउट है और बीच से ये पुली पर ये है, यहां से ड्रम है। यहां पर देखिए हेड गियर में बेल प्लेट लगा हुआ है, किसी कारण बस ओवरवाइंडिंग होने से सेफ्टी हुक खुल करके यहां लटक जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाओं के बारे में बोल रहा है। पार्ट, हेड गियर, शैल बी साउंड कंस्ट्रक्शन, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड मेंटेन सेफ वर्किंग ऑर्डर। यदि कोई डाउट हो तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसको ये करेंगे। क्लियर? एक बार फिर बोलो, कोई भी वाइंडिंग के लिए पार्ट्स, हेड गियर वाइंडिंग इंजन का, इस तरह से बनाए जाएंगे
कि वो बहुत मजबूत हो, साउंड कंस्ट्रक्शन, उनका कंस्ट्रक्शन मजबूत हो, एडिक्वेट ताकत स्ट्रेंथ का हो, पर्याप्त स्ट्रेंथ हो, और ऐसे मेंटेन किए जाएंगे ताकि सेफ ऑर्डर में वो चालू रह सके। ये पहला रेगुलेशन है। दूसरा सब रेगुलेशन है, इंजन जो है फर्म कनेक्टेड टू फाउंडेशन। इंजन जो है ये इसका फाउंडेशन फर्म कनेक्टेड होगा, नहीं तो टांगते समय ये इंजन का जो ड्रम है इसका फर्म फर्म मतलब मजबूत, फर्म कनेक्टेड टू फाउंडेशन। फाउंडेशन जो कंक्रीट का किया हुआ है, नट बोल्ट से फर्म मजबूत से कनेक्टेड होगा। कभी कभी नट बोल्ट ढीला हो जाता है, इंजन प्ले करता है, तो वैसा स्थिति में नहीं है, फर्म कनेक्टेड टू फाउंडेशन। सो डिजाइन, सो कंस्ट्रक्टेड एंड सो मेंटेन टू पावर फॉर लोअर एंड रीच इजी रेगुलरली एंड सेफली। इसका मतलब है, अब ये हेड गियर और पार्ट्स का तो बोल दिया, इंजन के बारे में बोल रहा है कि इंजन का फाउंडेशन मजबूत होगा, ऐसे डिजाइन होगा, ऐसे बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्टेड होगा, ऐसे मेंटेन किया जाएगा ताकि वो पावर के थ्रू जब लोअर और रेज किया जाए तो आसानी से मैन मटेरियल लोअर या रेज यानी उठाया जा सके, चाहे नीचे भेजा जा सके, हमेशा रेगुलरली और सेफली। तो ये इंजन के बारे में दूसरा सब रेगुलेशन। तीसरा बोलता क्या है, वाइडिंग इंजन शैल बी सो सिचुएटेड टू हेड गियर, हेड गियर के साथ ऐसे बैठाया जाएगा कि वाइडिंग रोप शैल बी नॉट एक्सट्रीम पोजिशन इन एंगल मोर देन डेड वन एंड वन हाफ विथ प्लेन ऑफ पुली। कहता है कि ये वाइंडिंग इंजन इस तरह से हेड गियर के रिस्पेक्ट में बैठाया जाएगा, वाइंडिंग इंजन हेड गियर के रिस्पेक्ट में इस तरह से बैठाया जाएगा ताकि वाइंडिंग इंजन में जो रोप है, ये रोप ये ड्रम पर घूमेगा, तो यहां पर देखिए ड्रम है, ड्रम बनाया जाए, और ये पुली है, ये हेड गियर पुली है, हेड गियर पुली यहां दिखाया हुआ है सेक्शन, और ये देखिए हेड गियर पुली। तो हेड गियर पुली पर ये रोप का एक्सट्रीम पॉइंट यहां है, एक्सट्रीम पॉइंट यहां है ड्रम के एक छोर में, फिर दूसरा छोर। अब ये पुली का जो प्लेन है, ये प्लेन, ये पुली की प्लेन से एक्सट्रीम पोजिशन में रोप जब जाएगा मिडिल से, तो ये एंगल और या ये एंगल नॉट मोर देन वन एंड हाफ डिग्री, क्योंकि वन एंड हाफ डिग्री से अधिक होगा तो इसमें फ्लेंज में इसका गियर गियर बढ़ेगा, ठीक है, और फ्लेंज से ये पुली के जो फ्लेंज है उस फ्लेंज से गिर सकता है रो, तो इसके पूरे ग्रुप में सही ढंग से इसके खाजा में रस्सा बैठे और चले, और रस्सा के पर वियर टियर नहीं ज्यादा हो, इसीलिए ये डेढ़ डिग्री से ज्यादा हम नहीं रखते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लीट एंगल। तो फ्लीट एंगल का यहां डिफिनेशन है, ये तीन नंबर क्वेश्चन। फ्लीट एंगल क्या बोलता है कि पुली का जो प्लेन है, हेड गियर पुली का जो प्लेन है, उस प्लेन से एक्सट्रीम पॉइंट डेढ़ डिग्री ही रोक जा सकता है, चाहे एक साइड में जाए फिर दूसरा साइड पे भी डेढ़ डिग्री, यहां से यहां तक डेढ़ डिग्री प्ले करे और यहां से फिर ये डेढ़ डिग्री प्ले करे, यानी मिडिल प्लेन है, तो ये इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फ्लीट एंगल। फ्लीट एंगल डेढ़ डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सेफ्टी है। डेढ़ डिग्री से ज्यादा यदि होगा तो ये पुली का वियर एंड टियर होगा, उसका फ्लेंज टूटेगा, रस्सा का वियर एंड टियर होगा, रगड़ होगा, और सही ढंग से चलाने के लिए ये आपको पोजीशन ऐसे ड्रम का पोजीशन करना पड़ेगा कि फ्लीट एंगल डेढ़ डिग्री से नॉट मोर देन
1.5 डिग्री विद प्लेन ऑफ व्यू। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इसको स्पेशल परमिशन दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये ज्यादातर वाइंडर में है, लेकिन कोपे वाइंडर में फ्लिट एंगल नहीं होता, वो तो इंडलेस है ना, कोपे वाइंडर तो इंडलेस है, तो उसमें फ्लिट एंगल नहीं होता। यहां पर एक छोर से गया दूसरे छोर से, यहां फ्लिट एंगल है। अब आ जाइए चौथा सब रेगुलेशन बोलता क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रम, ड्रम माने ये इसकी मोटाई, और पुल्ली, पुल्ली ये हुआ इस पुल्ली का डायमीटर, क्योंकि पुल्ली पर रोप ऐसे घूर रहा, ड्रम पर ऐसे रोप घूर रहा, तो ये दोनों की डायमीटर जो है नॉट लेस देन 80 into rope dia बिफोर 1955। जो वाइडर 1955 से पहले का है उसमें भी उसके रोप के डाया से 80 गुना से कम नहीं होगा, क्लियर। लेकिन प्रेजेंटली अभी यदि पोजीशन है तो 100 होगा, रोप डाया का 100 गुना। अच्छा ऐसा क्यों, रोप के जो डाया है उससे 100 गुना से कम नहीं होगा, 100 गुना से कम रखेंगे तो क्या होगा, तो रोप के जो डाया से 100 गुना डाया कम रखेंगे यदि ड्रम का, तो ड्रम, ड्रम पर जो रोप है वो बेंड होगा, और ज्यादा बेंड होगा तो ड्रम रोप का कंडीशन खराब होगा। इसीलिए रोप को डाया से करीब 100 गुना ज्यादा हम नॉर्मली रखते हैं। पहले के लिए एग्जम्पशन है, 1955 के पहले के लिए एग्जम्पशन है। तो ये चीज है, चीफ इंस्पेक्टर में रिक्वायर्ड डाया, चीफ इंस्पेक्टर लिखित रूप से डाया रिक्वायर्ड कर सकते हैं किसका, ड्रम का, हेडगियर पुली का और रोप का। देखिए ड्रम, वाइंडिंग ड्रम, वाइंडिंग पुली, हेडगियर पुली और वाइंडिंग रोप, इसके डाया को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रिक्वायर्ड कर सकते हैं नॉट लेस देन स्पेसिफाइड, जो लिखित रूप से वो जो रिक्वायर्ड करेंगे उससे कम हम नहीं रखेंगे। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस में रिलैक्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लिया जा सकता है, वो उस साइज को में रिलैक्स दे सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, ग्रुप ऑफ पुल्ली शैल बी सूटेड ऑफ द डाया ऑफ रोप। अभी देखिए ग्रुप ऑफ पुल्ली, देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये पुली का ग्रुप और इसी में रोप जाता है, ये रोप हुआ क्रॉस सेक्शन है, रोप ये क्रॉस सेक्शन है, इसी पर घूमता है। अब देखिए ये ग्रुप जो है ऐसा होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पुली शैल बी सूटेड फॉर द डाया ऑफ रोप, ये रूफ का जो ये रूफ है और इसमें ऐसे ऐसे जो डाया है, इसका जो डाया है ये डायमीटर, डायमीटर के सूटेबल हो ताकि रियर टियर नहीं, ये ग्रूव। अब देखिए ये ग्रूव जो है चलते चलते वाइंडिंग पुली का ग्रूव जो है वो घिसता है। अब देखिए मान लीजिए ऐसे ग्रूव बना, ऐसे ग्रुप बना हुआ, तो ये चलते चलते घिसेगा, इसीलिए जब ये ग्रुप है तो इस ग्रुप को डिफॉर्मेशन होगा, घिसेगा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए नया जब पुली इस्तेमाल करते हैं तो इस नया पुली जब हम इस्तेमाल करते हैं
तो नया जब हम पुली इस्तेमाल करते हैं तो इस रूप में सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का माल देख करके और इसको भरते हैं, कुछ सैंपल रख करके उसको निकालते हैं, और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सीमेंट का जो सैंपल है वो बीच बीच में जब कुछ दिन चालू हो जाता है पुली, तो उस ग्रूफ को हम चेक करते हैं कि ग्रूफ रियली जो पोजीशन में था ज्यादा वियर एंड टियर, घस घिस गया, उसका डायमेंशन एपर्चर भर तो नहीं गया। तो ये जो चीजें हैं ये शेप में ऐसे बना करके हम लोग इसको मोल्ड करके रखते हैं। नया अगर रखता है तो इस सैंपल को हम लोग रखते हैं, हमारे टेक्नीशियन इसको रखते हैं। तो देखिए ग्रूफ ऑफ पुली बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूफ ऑफ पुली का मेजरमेंट के लिए हम लोग एक सैंपल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना करके मोल्ड करके हम लोग सांचा रख लेते हैं इस सांचा में, और सेल बी सूटेड ऑफ डाया ऑफ रोप, और डाया ऑफ रोप के लिए सूटेड जब बहुत दिन चल जाता है तो रोप जो है आते आने जाने से पुली के ग्रुप में डिफॉर्मेशन कर देगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा, जब शेप चेंज हो जाएगा तो वियर एंड टियर होगा और रस्सा को ज्यादा क्षति होगा, वाइंडिंग रूप डैमेज होगा। इसीलिए ग्रुप ऑफ द पुली शैल बी सूटेड ऑफ डाया ऑफ रोप, उस समय जब ग्रुप के पुली पुली के ग्रुप जब वियर टियर होकर के जब अपना पोजीशन अपना जो शेप है उससे डिफॉर्म हो जाएगा तो रोप का डाया सही नहीं बैठेगा और इस स्थिति में डैमेज हो जाएगा। इस तो ये पोजीशन है यहां पर ग्रूव ऑफ पुली शैल बी सूटेड ऑफ डाया ऑफ रोप। अब छठा लास्ट पॉइंट है पुली रोटेट इन वर्टिकल प्लेन मेंटेन, ऑलवेज पुली जो रोटेट करेगा ये पुली जो रोटेट करेगा ये वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा तो रस्सा उसका फ्लैपिंग करेगा, यदि प्ले करेगा तो फ्लैपिंग करेगा, तो गड़बड़ सच ए वे कंडीशन स्लिपिंग इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम, रस्सा का स्लिपिंग जो हो कम हो, इसलिए वर्टिकल प्लेन में करेगा और इस तरह से मेंटेन किया जाएगा ताकि ये स्लिपिंग कम हो। तो ये छह रेगुलेशन जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, छठा सब रेगुलेशन। तो ये हुआ आपको कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इंजन CMR 78। मैं समझता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा और सर्कुलर में भी इससे संबंधित बीच में कुछ कुछ ना कुछ जुटते जाते हैं, उसकी भी बात मैं शेयर किया, जो ये मोल्ड करके जो नापा जाता है ये सर्कुलर की बातें हैं। तो ये फिगर आपको सहूलियत के लिए मैं बताया, ये लेजिस्लेशन का चीज नहीं है लेकिन मैटर को समझने के लिए इसको मैंने चर्चा किया। फ्लीट एंगल ये ओरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरल के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लीट एंगल कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। मैं समझता हूं कि ये सरल भाषा में आपका इसका कंसेप्ट दिया, यदि अच्छा लगता हो तो माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।